साध्वियों के बलात्कार के आरोप में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा के विशेष सीबीआई अदालत ने रंजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को किया जाएगा। आपको बता दें 10 जुलाई 2002 को डेरे के प्रबंध समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र निवासी रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। इस मामले में गुरमीत राम रहीम के अलावा कृष्णलाल, जसबीर, सबदिल, अवतार और इंद्रसेन को आरोपी बनाया गया था और 14 साल सीबीआई कोर्ट में चले इस मामले के दौरान आरोपी इंद्रसेन की मौत हो चुकी थी और अब राम रहीम सहित कुल 5 आरोपी बचे थे। इस मामले में कई सालों तक दोनों पक्षों की तरफ से गवाहों की लंबी लिस्ट थी जिनकी कोर्ट में गवाही करवाई गई थी। मृतक रंजीत सिंह के परिवार को करीब 19 साल बाद इंसाफ मिला है। सीबीआई के वकील एचवीएस वर्मा ने बताया कि अब इस मामले में गुरमीत राम रहीम सहित 5 लोगों को दोषी करार दिया है और आने वाली 12 अक्टूबर को सीबीआई कोर्ट सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। उन्होंने बताया कि शार्प शूटर सबदील और जसवीर ने उसके खेतों में ही रंजीत सिंह की हत्या की थी। रंजीत सिंह मर्डर केस जो डेरा सच्चा सौदा सिरसा के हेड और उनके साथियों के खिलाफ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट पंचकुला में चल रहा था, उसका फैसला हुआ है और ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस में 5 मुलजिम जो अभी ट्रायल फेस कर रहे थे उनको कन्विक्शन के ऑर्डर्स किए हैं, उनको गिल्टी होल्ड किया गया है आज और 12 तारीख के लिए केस को अडजर्न किया है क्वांटम ऑफ सेंटेंस प्रोनाउंस करने के लिए। सर कितने साल से, क्योंकि 2002 का ये मर्डर है और काफ़ी 2007 में ये पंचकुला सीबीआई कोर्ट में आया था, 14 साल बाद है वो न्याय परिवार को मिला है, किस तरह? देखिए इस केस में नंबर ऑफ विटनेसेस काफ़ी थे और ट्रायल जो थी वो हमने सीबीआई की हमारी टीम ने ज़ीरो से शुरू की थी और ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को बराबर का मौका दिया। किसी पार्टी को ये महसूस ना हो कि उनको सुनवाई का मौका नहीं मिला, उनको चांस नहीं मिला अपनी सफाई देने का। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ये फैसला आज ऑनरेबल कोर्ट ने किया है। गौरतलब है साध्वी यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में राम रहीम उम्र कैद की सजा काट रहा है। आने वाली 12 अक्टूबर को भी 4 आरोपी कृष्णलाल, सबदील, जसबीर और अवतार प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश होंगे और राम रहीम सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे।